as we have discussed. The first law of the chemical combination, we have discussed law of conservation of mass. The first law, under law of chemical combination. And the second law, we have discussed law of constant or definite proportion. Talking about the year in which these laws were given, the first law is given in 1774 and the second law was given in 1779. Now the scientists which have given the law of conservation is Lavoisier. And the scientist which has given have good digestion. तब तक नहीं बोलना जब तक पूछा ना जाए, ठीक है? तब तक नहीं बोलना जब तक पूछा ना जाए. आता है तो अच्छी बात है, रिजल्ट बताता है आपका. नहीं आता तो समझ लो, ठीक है? This law of conservation was given by Lavoisier, Antoni Lavoisier. It is given by Louis Prost. Now, what does this law state? Yeh hume kya batata tha ki atom can neither be created nor be destroyed. Aur hum yeh bhi keh sakte hain, matter can't be created nor be destroyed. Aur humne yeh bhi kaha ki kabhi bhi koi bhi chemical reaction hoti hai. Seedhe baith jao. Straight. Bilkul. In a chemical reaction, the mass of the reactant and the mass of the product is same. ठीक? जितना आपने mass reactant का लिया, अगर मैंने mass 5 इस तरफ लिया तो दूसरी तरफ भी 5 ही बनेगा. चाहे वो 1+4 बने, अगर मैंने यहाँ पे 2+3 लिए तो यहाँ पे 1+4 भी बन सकता है, मगर बनेगा टोटेलिटी में 5. ठीक? इस लॉ ने हमें ये समझाया, ठीक? This law state when an element combine to form a compound, theek, they do combine in a fixed ratio by mass. They will combine in a fixed ratio by a mass. So we have seen an example here. We can see an example here, water. We can see an example, ammonia here, any kind. Next year, you will start a balancing. Whenever you will combine the elements, they will always combine in fixed ratio by mass to form a compound. It doesn't mean ki un element se wohi compound banega. Iska matlab yehi nahi hai. Jaise ki hydrogen peroxide to baad mein leti ho, junior classes mein aap karte aa rahe ho bete. Ek taraf baat karte ho carbon monoxide ki aur ek taraf baat karte ho carbon dioxide ki. Ab dono ye compound, दोनों ही कंपाउंड, चाहे मैं कार्बन मोनोक्साइड लूं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड लूं, दोनों बने तो कार्बन ऑक्सीजन के हैं, दोनों बने तो कार्बन ऑक्सीजन के हैं, मगर फर्स्ट में वन कार्बन हम देख रहे हैं और वन ऑक्सीजन देख रहे हैं, और सेकंड में वन कार्बन है और टू ऑक्सीजन. लॉ का ये मतलब नहीं है कि दो एलिमेंट्स कंबाइन होके एक ही टाइप के कंपाउंड बनाएंगे, एक से ज्यादा भी बना सकते हैं, ठीक है? जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर कंबाइन हो रही है तो हमें केवल वाटर नहीं देती, हमें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी देती है. समझ आ रही है? हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस नहीं, हमारे पास वी हैव सल्फर ट्राइऑक्साइड आल्सो. वी डोंट हैव एनओ टू ओनली, वी हैव एनओ, एनओ टू, एनओ N2O5, N2O4, so many. मगर जब एक पर्टिकुलर गैस बनती है या पर्टिकुलर कंपाउंड बनता है, उस पर्टिकुलर कंपाउंड में एलिमेंट की जो रेशियो है वह मास है वो सेम रहेगी. किसी भी सोर्स में मैं वाटर नहीं लेके आऊंगी तो वाटर में मुझे 1:8 ही मिलेगी.
इट विल नॉट चेंज. ठीक है, सोर्स चाहे रेन वाटर हो, सोर्स चाहे डिस्टिल वाटर हो, सोर्स चाहे टैप वाटर हो, मिनरल्स ऐड हो जाएंगे उसमें, इम्प्योरिटीज आ जाएंगी, मगर वाटर का फॉर्मूला H2O ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. समझ आ रही है? उसकी इंडिविजुअलिटी वैसे ही रहेगी. अगर वाटर को अगर हम वाटर से अलग करेंगे तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलेगी, वो भी किससे? इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी हीटिंग से. हीटिंग से तो वेपोरेट कर जाएगा. ठीक है, अब जब आप ड्यूरिंग कल को कोई भी रिएक्शन लिखोगे, आई वॉज सेइंग यस्टरडे, जैसे कि H2+O2 हम बात करें तो हमें वाटर मिलता है. अब देखा जाए यहां पे वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O. ठीक, अब यहां पे हाइड्रोजन 2 है, यहां पे हाइड्रोजन भी 2 है, यहां पे ऑक्सीजन 2 है मगर यहां पे 1 है. अब ये नहीं है कि अगर यहां पे 2 है तो आप यहां पे 2 लगा दोगे, इससे ये हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाती है. फॉर्मूला आप कभी चेंज नहीं करते. जैसे कि मैथ में अगर आपने, पहले मुझे समझा लेने दो, आपकी क्वेरी अपने आप सॉल्व हो जानी है. अगर आपको आता है तो आप डाइजेस्ट करो, लेट्स सी. तो अगर मैथ में ए प्लस बी है तो आप सामने अगर 2 लगाते हो तो आपको आंसर में क्या आता है, 2A+2B, यही आता है. मीन्स आप ब्रैकेट के बाहर जो भी लगाते हो वो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाता है. अगर इंटरनल 2 ऑलरेडी प्रेजेंट हो, इंटरनल अगर 2 ऑलरेडी प्रेजेंट हो ब्रैकेट के अंदर, तो आप 4A+2B करोगे, यही बोलते हो ना. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने हमें ये सिखाया कि जितने रिएक्टेंट साइड मास है उतने प्रोडक्ट साइड होना चाहिए. अगर ये अगर देखा जाए इस इक्वेशन में, H2 एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है तो यहाँ पे 2 हो गया, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है तो यहाँ पे 32 हो गया, तो 32+2 34, इस साइड 34 हो गया. ऐसे तो इस साइड मासेस विल डू आफ्टरवर्ड. ठीक है, 34 हो गया, एक H हाइड्रोजन का मास कितना है 1, तो 2 का कितना हो गया 2, एक ऑक्सीजन का कितना है 16. ऐसे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो ही नहीं हो रहा. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्यों? क्योंकि हमने इक्वेशन को बैलेंस किया ही नहीं. जैसे आप वेइंग करने जाते हो, आप एप्पल लेने जाते हो तो उसके पास वेइंग बैलेंस होता है, तो आप एक तरफ एप्पल रखते हो, आप वेट रखते हो, आप तब तक वे करते जाते हो या वेट्स बढ़ा देगा या एप्पल कम कर देगा जब तक दोनों इक्वल नहीं हो जाते. इन द सेम वे आपने भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करना है. ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करना है कि इधर जितने एटम है वो ही उतने इधर होने चाहिए, तभी मास इक्वल होगा, तभी मास इक्वल होगा. इसे कहते हैं बैलेंसिंग, जो आप क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर में ही आ जाती है, मगर आपको अभी साथ साथ समझनी पड़ेगी क्योंकि 10th में एकदम से ही आ जानी है. ठीक है, तो अब ये देखो बेटे, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है. अब मैं फॉर्मूला नहीं चेंज कर सकती तो मैंने इसके बाहर 2 लगा दिया. I'll not change the formula, मगर जब हम 2 यहाँ पे लगाते हैं तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होते हैं. अब ये 2 इस हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई होगा, इस ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होगा. समझ आ गई? अब ये 2 कितने, अब 2 अगर इंटरनल पहले ही हो तो 2 2s are कितना बन जाता है 4, तो हाइड्रोजन क्या बन गए, 2 2s are 4, तो इसको 4 बनाने के लिए हमें 2 यहाँ पे भी लगाने पड़ेंगे, हमें 2 यहाँ पे भी. अब यहाँ पे कितने हो गए, 2 2s are 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए 2, यहाँ पे 2 2s are 4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने हो गए 2. ये 2 जैसे इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा. समझ आ रही है? अब देखो, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो 2 2s are 4, 4 का कितना हो जाएगा 4+32. अब एक
वाटर मॉलिक्यूल का मास होता है 18, सीधी बात, दो हाइड्रोजन और 1 16, दिस इज 18, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 into 18, हियर ऑल्सो 36, हियर ऑल्सो 36. दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंगली हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि आपका मास कंजर्व रहना चाहिए. अगर आप इक्वेशन को बैलेंस नहीं करते, इसका मतलब आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं करते. अब 9th में आपको कोई भी इक्वेशन नहीं मिलेगी, 10th में एकदम से बैलेंसिंग आएगी, ठीक है. तो अब क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि बैलेंसिंग क्यों करते हैं, अब यहां से ही समझो, बैलेंसिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमने ये लॉ को अप्लाई करना होता है. अगर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, केमिस्ट्री के ये लॉज हैं, और ये लॉ फॉलो करके, तो फर्स्ट लॉ, इस इक्वेशन में हमने कौन सा लॉ लगाया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फॉर्मूला ना चेंज करके, फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं लेके आए हम, हमने स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो आगे लगाते हैं चीज, उसे कहते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, या नंबर ऑफ मोल्स विल डू फर्दर, ठीक है, या वॉल्यूम्स लगाते हैं. तो दिस इज स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो भी ऐड किया वो इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि हमने कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करना था, फॉर्मूला विल नॉट चेंज क्योंकि लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो करना था, फॉर्मूला चेंज नहीं होता. आपने इस ऑक्सीजन को अंत तक, हम ये गलतियां सुधारते रह जाते हैं बैलेंसिंग में. अगर इन बच्चों का बैलेंस नहीं होता, अगर यहाँ पे कुछ बन रहा है तो 2 यहाँ लगा देंगे जाके, ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है. विल नॉट चेंज द फॉर्मूला एट ऑल. इस ईयर में आपको फॉर्मूला राइटिंग आ जाएगी, नेक्स्ट ईयर में यू विल नॉट डू दिस फॉर्मूला राइटिंग अगेन, ठीक है. देन आपको अभी से सीखना पड़ेगा ये कि फॉर्मूला हमने कभी भी चेंज नहीं करना, यू विल नॉट चेंज द फॉर्मूला एट ऑल. गॉट द पॉइंट. नाउ नेक्स्ट इज डेल्टन थ्योरी ऑफ द एटम. दिस इज अ थ्योरी गिवन बाय डेल्टन. लो हो गए हमारे 2. अब डेल्टन ने आके हमें एटम्स के लिए, एटम की प्रॉपर्टीज बताने के लिए बेटे कुछ पोस्टुलेट्स दिए कि एटम है क्या, एटम होता क्या है, एटम को आप क्रिएट कर सकते हो या डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ये सारे हमें प्रिंसिपल्स दिए. सो फर्स्ट जो उसने बताया कि यूनिवर्स में वी हैव डन फर्स्ट डेफिनेशन कि हर चीज किसकी बनी हुई है, दैट इज अ मैटर. एंड मैटर किसका बना हुआ है, कुछ टाइनिंग पार्टिकल्स का, उन टाइनी पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, एटम्स. तो मैटर इज मेड अप ऑफ व्हाट, टाइनी पार्टिकल्स. टाइनी पार्टिकल्स. नो दिस पार्टिकल्स आर नोन एज एटम. अब अकॉर्डिंग टू जॉन डेल्टन, दिस एटम कांट बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड. वी हैव डन इन फर्स्ट लॉ कि मैटर वी कांट क्रिएट नॉर वी कैन डिस्ट्रॉय. अगर मैटर को क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो अल्टीमेटली जो एटम्स है उसको भी क्रिएट नहीं कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, ठीक है. सो दिस इज सेकेंड पोस्टुलेट. इन्हीं एटम्स के बारे में बोला इसने कि एटम्स can't be created or destroyed. Then, John Dalton ने next point बोला बेटे कि atoms जो हैं they are not divisible or indivisible. कि atoms को हम divide नहीं कर सकते, या atom के सब atomic particles नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. अब इसको हम fail करेंगे. This will be the failure of the John Dalton. This will be the
डिसएडवांटेज ऑफ द डेल्टन थ्योरी कि एटम जो है वो क्रिएट या डिस्ट्रॉय या डिवाइड नहीं कर सकते। हम बाद में देखेंगे कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं, न्यूट्रॉन्स भी हैं और भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो हमें न्यूक्लियर रिएक्शंस में नजर आते हैं, वैसे नहीं आते। ठीक है, तो डेल्टन ने हमें ये कह दिया कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, मगर डेल्टन की थ्योरी की ये डिसएडवांटेज ही होगी कि उसने क्यों बोला कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, मगर एटम्स के पास तो बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हैं। ठीक है, देयर आर मैनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच आर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड मैनी मोर्स, 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर देयर। कहां बोला था, 35 बोला था बेटे, योर इयर्स मस्ट बी क्लियर, ईयर वैक्स साफ करके आओ। तो नेक्स्ट इज दैट दीज एटम्स आर इंडिविजिबल, बुक में ना एनसीईआरटी में 7 है, किसी बुक में 10 भी है, तब सीरियल वाइज याद करते रहोगे, 6 है इंडिविजिबल। सिट डाउन, वेरी गुड। तो हमने क्या एक दूसरे के सारे रिलेट नहीं कर रहे पॉइंट्स, कि मैं ऊपर नीचे वाला ऊपर कर दूं फिर सही है। एटम कांट बी डिवाइडेबल और दे आर इनडिविजिबल। तो हमने क्या सीखा बेटे, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल जिनको हम एटम बोलेंगे। अब ये एटम को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, अगर और इन एटम्स आर अनडिवाइडेबल या दीज आर इनडिविजिबल। ठीक है, मगर इसको हम आगे क्या करेंगे, फेल। ठीक, नेक्स्ट बेटे एटम्स, हाँ जी बोलो, इनडिविजिबल। कॉपी, यू शुड नॉट बी नाउ कॉपी कैट बेटे, एवरीथिंग इज गिवन इन योर बुक्स, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, केमिस्ट्री नहीं आनी तपनी दो। क्वाइट नाउ, अब हमने विल डू मेटल्स, वी हैव डन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक, यू हैव डन सोडियम, यू हैव डन पोटेशियम इन द क्लास 8th आई थिंक, कार्बन के बारे में पता है आपको, सल्फर के बारे में पता है आपको, आयरन के बारे में पता है, ये डिफरेंट एलिमेंट्स है। डिफरेंट एलिमेंट्स में हमने मेटल्स की भी बात करते हैं, हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं, हम मेटलॉइड्स की भी बात करते हैं, चाहे मेटल्स हैं चाहे वो नॉन मेटल्स हैं चाहे वो मेटलॉइड्स हैं, आखिर वो भी एलिमेंट्स जो हैं एटम के भी बने होते हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स में जो एटम्स हैं वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट, अगर मेरे पास एलिमेंट है सोडियम है तो उसमें कौन सा एटम होगा, सोडियम का। ठीक है, एटॉमिक नंबर 11, अगर मैं बेटे ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन, ठीक, एटॉमिक नंबर 8, मास 16। मींस हर एक एलिमेंट दूसरे, ए हर एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफर। सी बेटे, इधर यू आर गोइंग टू ट्यूशन और यू आर स्टडिंग योर सेल्फ, यू हैव स्टडीड द चैप्टर, लिसन टू इट अगेन, डोंट टॉक। सबका आईक्यू यहाँ पे सेम नहीं है, वो हमें रिजल्ट बताता है, और जब आप दो बारी सुनते हो तो दो बारी याद होता है, तीन बारी सुनोगे तो तीन बारी रिमेम्बरेंस रहेगी। ठीक है, अब हम सुबह अगर पाठ करते हैं ना तो ये नहीं कि हमें आता है तो हम फिर भी उसको बारी बारी वही चीज क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि वो हर चीज वो रियलाइज करवाती है, उसके साथ कनेक्ट करवाती है। हम ये नहीं कहते कल भी यही पढ़ा था तो आज भी यही पढ़े। चेंज योर सेल्फ,
अगर अच्छे मार्क्स आने होते ना, हमें आपका रिजल्ट बता देता 40 out of 40। अब एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स विल बी डिफरेंट, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट विल बी सेम। ठीक है, सो एटम हमने क्या सीखा, एटम ऑफ सेम एलिमेंट विल बी सेम। सेम किस रिस्पेक्ट में, जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो किस रिस्पेक्ट में सेम होना चाहिए, उनका मास सेम होना चाहिए, उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम होने चाहिए। अगर मैं ये लाइन लिखूं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विल बी सेम, ठीक है, किस रिस्पेक्ट में सेम, इट इज नॉट क्लियर, तो आप लिखोगे इट शुड बी सेम इन केस ऑफ एटॉमिक नंबर, या इट विल बी सेम अकॉर्डिंग टू मास, इनकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, द प्रॉपर्टीज मस्ट बी सेम, साइज सब कुछ, ठीक है। तो यू कैन राइट सेम इन विच रिस्पेक्ट, मास, साइज, केमिकल प्रॉपर्टी। अब इस कंसेप्ट को भी हम आगे डेल्टन की ये भी चीज को हम फेल करेंगे, दिस विल बी डिसएडवांटेज, क्योंकि देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ बेटे आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स विल बी द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, दे विल बी एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा बट देयर विल बी द डिफरेंस इज द मासेस। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, H1, 2, 3 हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम, टिटीरियम, यू विल डू। कार्बन के भी आइसोटोप होते हैं 12, 13, ठीक है, यू विल डू एंड यू विल फेल दिस अगेन दिस पोस्टुलेट ऑफ डेल्टन कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। गुरुपाल मैंने आपको पीटीएम पे भी समझाया था अगेन एंड अगेन, आप यू आर टॉकिंग बस, मैं तो यही देख रही हूँ ये क्या कह रहा है, मैं ये नहीं देख रही। अकॉर्डिंग टू द पोस्टुलेट जनरल हम कंसीडर करें तो बिल्कुल सही है, मगर जब हम आगे स्टडी करने निकले तो एक ही एटम, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स थे जिनका मास नंबर डिफरेंट था, उसे हम आइसोटॉप्स कहते हैं, वो चैप्टर 4th में आता है। ठीक है, आइसोटॉप्स में हम देखेंगे कि जो जब हम मास नंबर स्टडी करेंगे तो इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो जाएंगे, आगे हम न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे तो उनमें चेंजेस देखेंगे, मास में चेंजेस देखेंगे, क्लोरीन 35 भी होगा, क्लोरीन 37 भी होगा, तो विल सी फर्दर, अभी तो आपने याद नहीं करना बट इस पोस्टुलेट को हम फेल करेंगे। ठीक है, कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विल बी हैविंग सेम मास, इट कैन बी डिफरेंट ऑल्सो, इट कैन बी डिफरेंट ऑल्सो। ठीक, नाउ द 5th पोस्टुलेट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू दीज टर्म्स, राइट डाउन योर सेल्फ, write down this line. Now atoms of different elements will be different, atoms of different elements will be different with respect to these. Ab ye bhi hum fail karenge, isobar, we'll fail saying them isobars, we'll see argon and calcium which will be having same mass number 40, theek, with atomic number 18 and 20, we'll see to it. ठीक है, जब हम करेंगे we'll fail, disadvantages करेंगे तब करेंगे। अब ये समझो कि ये जरूरी नहीं है, अगर हम वैसे देखें सोडियम का एटम और पोटेशियम के एटम में फर्क है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम में फर्क है, क्लोरीन और फ्लोरीन के एटम में फर्क है, मगर कभी कभी एक्सेप्शन आर देयर इन केमिस्ट्री,
केमिस्ट्री एक्सेप्शन के बिना है ही नहीं है. केमिस्ट्री का मतलब एक्सेप्शंस, और एक्सेप्शंस का मतलब एग्जाम में क्वेश्चन. ठीक है, एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन उठते हैं केमिस्ट्री में. जो सीधी सीधी चीज वो कौन पूछता है, वो तो पता ही है. ठीक है, जहां पे ये हो सकता है मगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, वहां पे क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, अब होना क्या चाहिए कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट शुड हैव, और डेल्टन ने भी ये भी हमें कहा कि डिफरेंट एलिमेंट्स विल हैव डिफरेंट मास नंबर, केमिकल प्रॉपर्टीज, साइज, बट विल सी फर्दर जब हम डिसएडवांटेजेस करेंगे. आई विल टेल यू सर्टेन एटम्स जिनका मास नंबर क्या होगा, सेम होगा. हाइड्रोजन तो आइसोटोप्स बनाएंगे, मास नंबर सेम, आइसोबार्स, बड़ी क्लास आइसोटोन्स भी करेंगे बाद में, वो कुछ करेंगे. आप नॉन मेडिकल मेडिकल रखो तब करेंगे. अभी आप जिस इतना डाइजेस्ट किया करो, अभी बेल नहीं हुई है. सो लिसन टू मी केयरफुली, अभी और आ गया. सो एटम्स ऑफ क्वाइट नेक्स्ट एटम्स डू कंबाइन विद ईच अदर. When they combine, they will combine in fixed ratio by chemistry का lecture last नहीं होना चाहिए, first होना चाहिए. पंजाबी का first.